ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है भारत चीन आर्थिक समूह की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य और पत्रकार अदिति फडणीस। चीन के वाणिज्य मंत्री श्री जोंगशान दो दिन पहले दिल्ली में थे। चीन और भारत की वार्ता हुई थी, खास तौर से आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के बारे में। इसमें यह निर्णय लिया गया कि दोनों के संबंध वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन इनको और सुदृढ़ किया जाए और इनको वजन मिले। हमारे आयात निर्यात नीति चीन के साथ अच्छी है, लेकिन चीन के फेवर में है। हम वहां से बहुत सारी चीजें मंगाते हैं, लेकिन उतनी चीजें वहां भेज नहीं पाते हैं, जिसके चलते बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड चीन के फेवर में है और इससे काफी इम्बैलेंस रिलेशनशिप में हो जाता है। उसके अलावा चीन ने जो नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, उदाहरण के तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे हम BRI कहते हैं, उसमें भारत ने बहुत आपत्ति जताई है और ये भी कहा है कि हम लोग इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन कुल मिला के इसमें कोई शक नहीं है, हालांकि राजनीतिक संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों ने एक लड़ाई भी लड़ी है और हम लोगों की सीमा पर कोई निर्धारित सीमा नहीं है, जिसके चलते काफी वहां पर संघर्ष होता रहता है। लेकिन अगर उसे एक तरफ रखें तो दोनों देशों में ये मेरे ख्याल से मतैक्य है कि आर्थिक संबंधों को लेके और राजनीतिक संबंधों की खटास उनको नहीं छूनी चाहिए। भट्टाचार्य जी, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी मीटिंग हुई है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, कैसे आकलन करेंगे आप? ये जो मीटिंग हुई दिल्ली में, वो 11वीं मीटिंग थी इसी ग्रुप की, जो इंडिया चाइना वर्किंग ग्रुप ट्रेड टेक्नोलॉजी साइंस कहलाती है। मीटिंग का संदर्भ ये था कि 2014 में एक निर्णय लिया गया था, एक वाणिज्य चुक्ति भी हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, जिससे में ये कहा गया था कि 2019 तक जो भारत और चीन की जो वाणिज्य जो है, उसमें वाणिज्यिक जो घाटा होता है उसको एकदम संतुलन दिया जाएगा दोनों देशों के बीच। हमारी निर्यात जो है वो इस वक्त करीबन 10-11 बिलियन डॉलर है, और जो आयात जो है चीन से वो 62-63 बिलियन डॉलर की है। हमारे सबसे ज्यादा वाणिज्यिक घाटा चीन से ही है, करीबन 51 बिलियन डॉलर का घाटा है। करीबन आधा हमारे देश की जो वाणिज्यिक घाटा जो है वो चीन से होता है देश के अंदर। ये तो एक चिंता वाली बात है, और इसीलिए ये मीटिंग में भारत की ओर से इस बारे में काफी चिंता जताई गई। कहा गया कि किस तरह से ये हमारे देश में की जो वाणिज्यिक संतुलन, कैसे हम इसे लाया जाए, उसके बारे में जो आभास मिला है चीनी प्रतिनिधियों से, चीन के जो वाणिज्य मंत्री जोंगशान आए थे, उनसे आभास मिला है कि चीन अब ये व्यवस्था करेगी जिससे कि जो शंघाई में एक चाइना इंटरनेशनल एक इम्पोर्ट एक्सपो होता है, इस बार नवंबर में होगा, उसमें भारत की उपस्थिति के ऊपर काफी जोर दिया जाएगा। भारत की उपस्थिति से ये क्या होगा कि भारत को अगर निर्यात करने वाले जो वस्तुएं जो हैं वो कैसी मार्केट है, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी भी मिलेगी और एक नया कोई रास्ता भी शायद दर्शाया जाएगा उनको। पर इसके सिवाय जो वाणिज्यिक संतुलन लाने में जो और क्या पदक्षेप चाहिए, उसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। पर चीनी साइड के तौर से एक 7 पॉइंट एजेंडा दिया गया है, वो मैं मानता हूं कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण एजेंडा है, क्योंकि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देखें, इस वक्त अमेरिकन राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो ट्रेड वॉर जैसे छेड़ दिए उन्होंने, जिससे कि उन्होंने विभिन्न देशों के आयात के ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, उससे जो एक मल्टीलैटरलिज्म का जो एक हवा था वो काफी दूषित हो गया। उसके संदर्भ में चीन का भारत के साथ एक बायलैटरल डिस्कशन में ये कहना कि हम दोनों देश मल्टीलैटरलिज्म को किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं, इसका बहुत ही एक तात्पर्य है। और दूसरा बात यह है कि चीन ने शायद पहली बार ये साफ कर दिया है कि भारत को आरसेप में आने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। आरसेप, जैसे आप जानते हैं कि एक 10 आसियान देशों का और 6 और पैसिफिक रिम कंट्रीज देशों का, जापान, चीन, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत जैसे देशों का एक समूह है, वाणिज्यिक एक कॉन्फेडरेशन कह सकते हैं हम उसे। इसमें अगर भारत आ सके तो भारत के जो निर्यात का जो रवैया है वो बदल सकता है और भी अच्छा हो सकता है।
और एक नया प्रपोजल दिया है चीनों ने। उसने कहा है कि जो उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसमें भारत ने तो एक कह दिया है भारत चीन ने कि हम भारत इसके साथ कोई नाता नहीं करेंगे, संबंध नहीं हो सकते, पर तब भी चीन ने ये कहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्यों नहीं भारत के जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, उसके साथ देखा जाए और उन दोनों को जोड़कर ये देखा जाए कि किस तरह से भारत और चीन अपनी दोनों के बीच में एक जो कोऑपरेशन जो है, सहयोगिता जिसे कहते हैं हम, उसको और भी सुदृढ़ कर सके। तो मैं मानता हूं कि ये दोनों चीज ये बहुत महत्वपूर्ण है और चीन जिस तरह से ये 7 पॉइंट एजेंडा को ऊपर लाए हैं, मुझे लगता है कि चीन का जो इंडिकेशन दे रहे हैं वो चाहते हैं कि राजनीतिक जो अनिश्चितता को एक तरफ करके वो चाहते हैं कि ये आर्थिक दिख से किस तरह से भारत के साथ वो अच्छा एक नाता फिर से जोड़े, जिससे कि उनकी भी एक जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी जिसे कहते हैं उनको भी वो बरकरार रखे। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जो वैश्विक व्यापार है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अभी मीटिंग हुई है और उसमें इस पूरे मामले को रखा गया है कि अगर द्विपक्षीय व्यापार ज्यादा बढ़ेगा तो मल्टीलैटरल ट्रेड नहीं हो सकता है, उसमें चीन की बहुत बड़ी भूमिका है। आगे आने वाले समय में ये जो बातचीत हुई है भारत और चीन के बीच में, उसका WTO पर क्या असर पड़ेगा? इसका एक इतिवाचक असर होगा, क्योंकि अगर आप बहुपक्षीय वाणिज्य में सारे देशों का सम्मिलित होना बहुत जरूरी है और एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट का, जिससे कि हर देशों से जो हमारी रवैया होगा, आयात निर्यात होगा, उसके जो टर्म्स होंगे वो कॉमन टर्म्स होंगे। अगर मैं आपको 10% में ड्यूटी देता हूं तो मैं सबको ही 10% ड्यूटी रखूंगा आपके से। तो मुझे लगता है कि चीन को इस तरह से बहुपक्षीय वाणिज्य को बढ़ावा देने का, और चीन विश्व का दूसरे सबसे बड़ा देश है इस वक्त, वो ट्रेड भी अभी भी उसकी जो फॉरेन ट्रेड है वो अमेरिका से भी ज्यादा हो गया है, तो उसका बहुपक्षीय वाणिज्य की तरफ सपोर्ट करना मैं मानता हूं कि ये WTO के लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट है। हमें ये देखना होगा कि ये जो सपोर्ट जो है वो किस तरह से रूल बेस्ड सपोर्ट हो, जिससे कि नियम वित्तिक सपोर्ट हो, ऐसा न हो कि कोई नॉन ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी या ऐसा कोई नियम बनाया जाए जिससे कि कोई देश ज्यादा इसका मौका ले सके और कोई देश कम मौका ले सके। मैं मानता हूं कि ये चाइना को इस तरह से सपोर्ट करना मल्टीलैटरलिज्म को, ये एक अच्छा एक इंगित है। जिस तरह से शी जिनपिंग ने अपने आप को आगे आने वाले समय में ही चीन का सबसे बड़ा लीडर माना है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो अभी मिली थी उसने भी इस पे अपना ठप्पा मार दिया है, इससे लगता है कि शी जिनपिंग क्या सोच रहे हैं भारत को लेके और हिंद महासागर में बाकी देशों को लेके, वो काफी साफ है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि चीन और भारत के बीच एक तरह से मित्रता हो नहीं सकती है और आपस में राइवलरी ही होगी, लेकिन आर्थिक संबंधों में शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मुहिम जो चीन ने शुरू की है संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत के साथ, वो मेरे ख्याल से बहुत ही रोचक है और बहुत नई सोच है। आपने एकदम सही कहा। आपको ये देखना होगा कि चीन की जो अंदरूनी जो परिवर्तन अभी हुई है, जो जिससे कि शी जिनपिंग अब अनिर्दिष्ट काल तक वो देश के प्रेसिडेंट बने रहेंगे, इस परिवर्तन के बाद ये पहला एक उच्च स्तरीय बैठक है आर्थिक भारत के साथ, उसमें जिस तरह से जो इनिशिएटिव्स जो दिए गए हैं चीन के तरफ से, मुझे लगता है कि इसमें काफी क्लैरिटी आई है। जैसे मान लीजिए वो कह रहे हैं कि एक ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बैठाएंगे, एक जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन इंडस्ट्रियल पार्क्स जिसे निवेश की बात करते हैं जिसमें हम, उसको हम वो और भी अपग्रेड कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे सारे इनिशिएटिव जो हैं और ये चीन के अंदरूनी परिवर्तन के बाद ऐसे क्लियर इनिशिएटिव आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सामयिकी में अभी आप सुन रहे थे भारत चीन आर्थिक समूह की बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक AK भट्टाचार्य और पत्रकार अदिति फडणीस। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.in।